press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मोडूल आला में आप लोगों का स्वागत है मित्रों। हम 2017 के आखिरी महीने दिसंबर का वृष राशि का राशिफल आपको बता रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि राशि अनुसार आपकी दशा। तो इस समय आप 26 नवंबर से 22 जनवरी तक 98 दिन की गुरु की दशा भोग रहे हैं, जो कि धन हानिकारक समय है। चलिए अब बात करते हैं 1 से 15 दिसंबर तक के समय की। कार्य अथवा व्यवसाय में आमदनी सुगम होगी। महत्वपूर्ण होगा कि आंतरिक और व्यक्तिगत रूप से आप खुद को और अपने व्यक्तित्व को कैसे पेश करते हैं। यह समय अकेले काम में जुटने का समय नहीं है, आपको लोगों की जरूरत है। दोस्त, सहकर्मी, यहाँ तक कि कानूनी सलाह भी आपको मदद देगी। आपको विचारों और विभिन्न नापसंदगियों को विभिन्न स्तरों पर भी समझौता करना होगा। व्यावसायिक व पारिवारिक स्तर में मामलों से निपटने के लिए सामूहिक कार्य से क्षमता बढ़ेगी। यह खुद पर व अपनी क्षमताओं पर भरोसा करने का समय नहीं है, चाहे ये कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। अब मित्रों बात करते हैं 16 से 31 दिसंबर तक के समय की। आप निश्चित तौर से अपने ऊपर भरोसा करने वाले और सहारे के लिए दूसरों के भरोसेमंद हैं। इसकी वजह से आप कैरियर में, पैसों के मामले में और परिवार के मामले में सही चीजें कर पा रहे हैं। आपका आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय आसानी से टूटता नहीं है। इस समय आपकी सेहत फिर से खराब हो सकती है। आप पैसे के बारे में इस समय ज्यादा ललायित हो सकते हैं। माना कि लालच हम सब में आ सकता है, लेकिन आप गलत काम, जल्दबाजी या गलत फैसलों के चक्कर में फंसाए जा सकते हैं। आप दूसरों की आलोचना मत कीजिए और उनके लिए धैर्य मत खोइए जो फूहड़ता से काम करते हैं। बच्चों के प्रति आपका विशेष लगाव रहेगा व उनका भविष्य आपकी योजनाओं के केंद्र में रहेगा। यदि आप अविवाहित हैं तो समय अनुकूल है। दूसरा सप्ताह शुभ रहेगा। इस महीने आर्थिक दबाव बहुत अधिक रहेगा, उधार लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी परेशानियां रहेंगी, परंतु जीवन यथावत चलता रहेगा। यदि नौकरी करते हैं तो सावधान रहें। अस्त शनिदेव 8वें रहकर कुछ तकलीफ दे सकते हैं। व्यवसाय भी मध्यम ही रहेगा। इस महीने कर्मचारियों से संबंधित समस्याएं रहेंगी, आना जाना लगा रहेगा। आर्थिक लाभ के लिए आप जो उपाय कर रहे हैं पूरे नहीं पड़ेंगे। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और कुछ खर्चा भी होगा। मजबूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है, यात्रा व्यावसायिक हो सकती है। इन दिनों खानपान में रुचि ज्यादा रहेगी या दावतों का त्याग नहीं कर पाएंगे। कुटुंब के मामलों में थोड़ा सा सावधानी बरतें। कुछ कष्टकारक विषय आ सकते हैं। संतान को लेकर मन ही मन चिंतित रहेंगे। उनके व्यवसायिक जीवन में कुछ नया देखने को मिल सकता है। यदि बच्चे छोटे हैं तो पढ़ाई लिखाई में भी कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। ये महीना आपके लिए पूर्वार्ध में अधिक सकारात्मक नहीं रहेगा, बनते बनते कार्यों में व्यवधान आएगा। अपने धैर्य एवं साहस को बनाए रखें। उत्तरार्ध में परिस्थितियां धीरे धीरे अनुकूल होंगी। पूर्व प्रतीक्षित कार्यों के बनने के योग बनेंगे। धार्मिक कार्यों के प्रति रुझान बढ़ेगा। तो अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां कम होंगी। आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेंगे। मानसिक तनाव से बचने का प्रयास करें। हम आपको कुछ तारीखें बता रहे हैं जिन तारीखों में आपको स्वास्थ्य कष्ट हो सकता है, तो सावधानी बरतें। तो वो तारीखें हैं 1, 2, 9, 19, 20। चलिए अब बात करते हैं आपके धन संपत्ति की। आर्थिक पूंजी निवेश के प्रति रुझान बढ़ेगा, परंतु इस संबंध में सोच समझकर अंतिम निर्णय लें। पारिवारिक सदस्यों के साथ संपत्ति खरीदने की योजना बनेगी। महीने के उत्तरार्ध में कार्य सिद्धि की संभावना रहेगी। अब बात करते हैं आपके कार्य व्यवसाय की। कार्य क्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने से सफलता प्राप्त होगी। अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ रखें। गुप्त शत्रुओं के षड्यंत्र से बचें। व्यवसाय करने वाले लोगों को अधिक परिश्रम करने से सफलता प्राप्त होगी। लोगों के बहकावे में आकर कोई बड़ा निर्णय न लें। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों में सुख सहयोग बढ़ेगा, अनसुलझे मामले भी सुलझेंगे। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ परस्पर तालमेल बनाने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा मतभेद उभर सकते हैं। तो मित्रों अब मैं आपको एक बोनस में उपाय बता रहा हूं, जिसे करने से आपका ये महीना फलदायी सफलता मिलेगी। तो वो है, बृहस्पतिवार के दिन ब्राह्मण को पीले वस्त्र एवं बेसन के लड्डू दक्षिणा सहित दान करें। तो मैं आशा करता हूं मैंने आपको उचित जानकारी दी हो। देखते रहिए मोटू लाला, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने और अपने मित्रों का ज्ञान बढ़ाइए। और देखते रहिए मोटू लाला। अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।